Do you expect during knee replacement? In 2019 हम लोग टेक्नोलॉजी का इतना अच्छे से यूज कर रहे हैं जिसमें वेयर वी आर यूजिंग लैमिनर जॉइंट रिप्लेसमेंट थिएटर्स ऑपरेशन थिएटर्स वी आर यूजिंग स्पेस सूट्स वी आर यूजिंग कंप्यूटर नेविगेशन रोबोटिक्स इन आर सर्जरी सो द रिकवरी इज एक्सट्रीमली फास्ट. सो अगर मैंने मॉर्निंग 9 o'clock सर्जरी किया तो शाम को 5 बजे मैं आपको खड़ा करता हूँ. वी मेक द पेशेंट्स वॉक सो देर इज नो डिपेंडेंस. आपको ऐसा नहीं है कि किसी और का डिपेंडेंस लगेगा. नर्सिंग केयर के लिए भी आपको जरूरत नहीं है. आप खुद होकर टॉयलेट जा सकते हो, किचन जा सकते हो. वॉकर में भी 10 days 14 days आपको यूज करना पड़ेगा. द सेकेंड जो प्रॉब्लम पेशेंट्स फेस करते थे पहले वॉज द पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन. बट आजकल एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो गया है तो बिकॉज द पेन इज नॉट दैट मच वी आर एबल टू मेक द पेशेंट्स वॉक द सेम डे. सो पेन एक एस्पेक्ट वी हैव ओवरकम. इन्फेक्शन वन एस्पेक्ट वी हैव ओवरकम. स्टिल डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट फैक्टर्स देर आर सम रिस्क दैट वी नीड टू टेक. कभी कभी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे इन्फेक्शन, बोन अगर बहुत खराब क्वालिटी का हो तो लूजनिंग हो सकता है इम्प्लांट का. बट जनरली इन 2019 कॉम्प्लिकेशन रेट हैव रिड्यूस लाइक एनीथिंग. सो इट इज अ पर्टिकुलरली सेफ प्रोसीजर. द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने दोनों घुटनों का एक साथ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए. तो इसका सिंपल सोल्यूशन है नंबर वन एज, सेकेंड इज आपका वेट, थर्ड इज आपके ब्लड टेस्ट, हाउ मच फिट यू आर. कोई कोई पेशेंट्स रहते हैं जो इवन एट 50 ईयर्स आर सो इल, मीन डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, किडनी का प्रॉब्लम रहता है. बट कोई कोई पेशेंट्स इवन एट 75 ईयर्स 80 ईयर्स दे आर एब्सोल्युटली फिट. सो इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फिटनेस. इफ द पेशेंट इज फिट फॉर एनेस्थीसिया वी कैन डू बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट्स, यानी एक ही सिटिंग में दोनों नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल, जैसे मैंने बताया कि सेम डे वॉकिंग चालू हो जाता है. फिजियोथेरेपी 2 to 3 weeks, माइल्ड फिजियोथेरेपी है, नॉट एक्सटेंसिव, जो आप घर पे भी कर सकते हो वो कर सकते हो. आजकल आफ्टर सर्जरी एट 6 to 8 weeks आप ड्राइविंग चालू कर सकते हो, इवन 2-wheeler 4-wheeler. आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, जिमिंग चालू कर सकते हो, स्विमिंग चालू कर सकते हो, साइकिलिंग चालू कर सकते हो. माइल्ड जॉगिंग, नॉट एक्सटेंसिव जॉगिंग. हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज को डेफिनेटली आपने अवॉइड करना चाहिए. So this is the post-op protocol after knee replacement. Sorry. Who? You will find this. हाँ विलास. और कुछ? नहीं बस. That's it. मतलब बहुत हो गया. Yeah. Sorry. So इसको यहाँ end कर दे.